हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आकारों के क्षेत्रफल एरिया का अनुमान लगाने के बारे में और जाना। इस वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ मजेदार अवधारणाएं देखेंगे। अप्पू इस आकार के मिठाई के डिब्बों में एक एक काजू बर्फी बेचता है। अब अप्पू इन डिब्बों का आकार बदलना चाहता है। अप्पू ने नए डिब्बों के लिए एक डिजाइन चुना है। बब्बन, इस कागज पर मैंने अपने नए डिब्बों का डिजाइन बनाया है। इन डिब्बों का क्षेत्रफल मेरे पुराने डिब्बे के क्षेत्रफल जितना 16 स्क्वायर सेंटीमीटर ही है। तुम मुझे पहले इन नए डिब्बों का एक सैंपल बनाकर दिखाना। सैंपल पसंद आने पर मैं तुम्हें ये डिब्बे बनाने का ऑर्डर दूंगा। अप्पू ने बब्बन से कहा। बब्बन अप्पू का वो कागज लेकर अपने घर जा ही रहा था जब अचानक जोरों से बारिश शुरू हो गई। बब्बन बारिश में भीग कर बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचा। अरे ये क्या हुआ? अप्पू के नए डिब्बे के डिजाइन की दो लकीरें बारिश में मिट गई। अब मैं क्या करूं? बब्बन ने घबराकर सोचा। अप्पू ने कहा था कि उसके नए डिब्बे का क्षेत्रफल उसके पुराने डिब्बे के क्षेत्रफल जितना 16 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इसका मतलब मुझे इस नए डिब्बे के डिजाइन को पूरा करने के लिए इस तरह से दो लकीरें बनानी होंगी कि ये आकार पूरा हो जाए और उस पूरे आकार का क्षेत्रफल 16 स्क्वायर सेंटीमीटर हो। बब्बन ये हल सोचकर खुश हो गया। पहले मैं डिब्बे के इस हिस्से का क्षेत्रफल ढूंढ लेता हूँ। इस हिस्से को मैं इस तरह से दो त्रिकोणों में बांट सकता हूँ। इस छोटे त्रिकोण का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल का आधा या 2 स्क्वायर सेंटीमीटर है और इस बड़े त्रिकोण का क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल का आधा या 6 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इस तरह डिब्बे के इस हिस्से का कुल क्षेत्रफल हो गया 2 में 6 जोड़ 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। पूरे डिब्बे का क्षेत्रफल 16 स्क्वायर सेंटीमीटर है और डिब्बे के इस हिस्से का क्षेत्रफल है 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मतलब डिब्बे के बचे हुए हिस्से का क्षेत्रफल होगा 16 में से 8 घटाकर 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर मैं ऐसी दो रेखाएं बना लूं, तो डिब्बे के इस हिस्से में 2 त्रिकोण बन रहे हैं। इस छोटे त्रिकोण का क्षेत्रफल इस आयत का आधा या 3 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा और इस बड़े त्रिकोण का क्षेत्रफल इस आयत का आधा या 5 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इस तरह डिब्बे के इस हिस्से का क्षेत्रफल हो गया 3 में 5 जोड़ 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। अरे वाह, मैंने अप्पू का नया डिजाइन फिर से बना ही लिया। बब्बन खुशी से नाचने लगा। फिर उसने तुरंत अपने डिजाइन के मुताबिक एक डिब्बे का सैंपल बना लिया और अप्पू के घर पहुंच गया। जब बब्बन ने अप्पू को वो सैंपल दिखाया तो अप्पू नाराज हो गया। बब्बन, ये सैंपल मेरे नए डिजाइन के मुताबिक नहीं है। मेरा डिजाइन तो ऐसा है। ये कहकर अप्पू ने बब्बन को उसका नया डिजाइन दिखाया। बब्बन चौंक गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो इस डिजाइन के मिटे हुए हिस्से का क्षेत्रफल ढूंढा था और वो 8 स्क्वायर सेंटीमीटर ही था। फिर तुम्हारा डिजाइन अलग कैसे हो सकता है? बब्बन ने अप्पू से कहा। तब अप्पू ने अपने डिजाइन के इस हिस्से का क्षेत्रफल ढूंढकर बब्बन को दिखाया और वो भी
8 स्क्वायर सेंटीमीटर ही था। बच्चों, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि हम केवल दो लकीरें खींचकर अलग अलग दिखने वाले ऐसे आकार बना सकते हैं जिनके क्षेत्रफल 8 स्क्वायर सेंटीमीटर हो? क्या आप किसी और तरीके से ऐसी दो लकीरें बना सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। शाबाश बच्चों, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। हम इन तरहों से भी ऐसी दो लकीरें बना सकते हैं जिन्हें बनाने पर डिब्बे के दूसरे हिस्से का क्षेत्रफल 8 स्क्वायर सेंटीमीटर ही होता है। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि अलग अलग आकारों के समान क्षेत्रफल हो सकते हैं। अप्पू और बब्बन को भी ये बात समझ में आ गई और बब्बन ने इस बार अप्पू को सही सैंपल बनाकर डिब्बे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। बच्चों, इस वीडियो में हमने आकारों के क्षेत्रफल एरिया का अनुमान लगाने से संबंधित कुछ मजेदार अवधारणाओं को देखा।